हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज वीडियो में बात करने जा रहा हूँ, अगर आप विंडोज़ के लॉगिन पासवर्ड को भूल जाते हैं, किस तरह आप उसे रिसेट कर सकते हैं विदाउट एनी पेन ड्राइव, विदाउट एनी सॉफ्टवेयर, विदाउट एनी थर्ड पार्टी टूल के, केवल आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से ही इजीली रिसेट कर सकेंगे। तो वैसे ही मैं अपने विंडोज 11 के एक पासवर्ड को भूल चुका हूँ, तो इस वीडियो में मैं उसे रिसेट करके दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं, लेट स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड, मैं आ गया अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं अपने विंडोज के लॉगिन पासवर्ड भूल चुका हूँ और यहाँ पे ट्राई करता हूँ। तो देखिए इनकरेक्ट बता रहा है, फिर से मैं ट्राई कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ अपने पासवर्ड को याद करने के लिए। तो देखिए ये इनकरेक्ट बता रहा है, तो अब मुझे पासवर्ड को रिकवर करना होगा। तो इसके लिए सिंपली आपको स्टेप फॉलो करना होगा। सिंपली आपको कीबोर्ड में शिफ्ट को प्रेस करके रखना है, उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टार्ट पावर, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको रीस्टार्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा स्टार्ट एनीवे, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको शिफ्ट को छोड़ देना है और ये ऑटोमेटिक आपके रीस्टार्ट होगा। तो रीस्टार्ट होने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सिंपली आपको ट्रेवल सूट पे क्लिक करना है, उसके बाद एडवांस ऑप्शन और यहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। तो कमांड प्रॉम्प्ट आपके ओपन हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा नोट पैड और सिंपली एंटर प्रेस करना है। तो देखिए नोट पैड ओपन हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे टॉप में देखिए फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ओपन, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको दिस पीसी को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद लोकल डिस्क को आपको ओपन कर लेना है और लोकल डिस्क के अंदर देखिए विंडोज, इसे ओपन कर लेना है और आपको नीचे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करके सिस्टम 32 आपको देख लेना है। तो ये रहा, इसे ओपन कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए फाइल टाइप, आपको इसको ऑल कर देना है और आपको यहाँ पे एक फाइल ढूंढना होगा। सिंपली आपको इस फाइल को देख लेना है, तो सिंपली इस पे आपको राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे रीनेम पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे देखिए जो नाम लिखा हुआ है उसको चेंज नहीं करना है, आपको यहाँ पे ध्यान से टाइप करना है जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ। उसके बाद आपको जो भी नाम देना चाहते हैं यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ SAMEER, जो भी आपके पीसी के नाम है आप यहाँ पे दे दीजिए। यहाँ पे देखिए वो फाइल नेम चेंज होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके CMD को ढूंढना है, तो CMD ऊपर होगा, तो चलिए मैं CMD को ढूंढ लेता हूँ। फेन यरा CMD, सिंपली इस पे आपको राइट क्लिक करना है, उसके बाद रीनेम करना है और इसके आपको नाम देना है SETHC, आपको सेम यही नाम देना है और दूसरे नाम नहीं देना है। उसके बाद सिंपली आपको कहीं भी क्लिक कर देना है, तो आपके नेम चेंज हो चुका है। तो दोनों फाइल के नेम को चेंज करने के बाद सिंपली आपको एग्जिट कर लेना है यहाँ पे, इसके बाद आपको यह ओके कर देना है। उसके बाद इसे भी मैं क्लोज कर देता हूँ, इसे भी क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है और आपके पीसी रीस्टार्ट हो जाएगा। तो पीसी रीस्टार्ट होने के बाद सिंपली आपको कीबोर्ड में शिफ्ट को 5 टाइम प्रेस करना है, 1 2 3 4 5, और ये देखिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। तो अब मुझे यहाँ पे एक कमांड टाइप करना होगा, नेट स्पेस लोकल ग्रुप स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो सिंपली आपको ये कमांड को टाइप कर देना है, उसके बाद सिंपली एंटर प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड जिसके मैं भूल चुका हूँ यहाँ पे शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेम और यहाँ पे देखिए सेम शो हो रहा है। तब मुझे इसे पासवर्ड को रिकवर करना होगा, तो यहाँ पे मुझे फिर से एक कमांड टाइप करना होगा और नेट यूजर, उसके बाद आपको यहाँ पे यूजर नेम देना होगा जो आपके यूजर नेम है। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, उसके बाद स्पेस देना है, उसके बाद आपको स्टार लगाना है और सिंपली एंटर प्रेस कर देना है। अब आपको यहाँ पे न्यू पासवर्ड सेट कर लेना है, तो यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ 123, उसके बाद सिंपली एंटर करना है, फिर से कंफर्म करना है 123, उसके बाद सिंपली एंटर कर देना है और देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली पासवर्ड चेंज हो चुका है। तो अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं पासवर्ड टाइप करता हूँ 123। तो देखिए ये ओपन हो चुका है। तो पासवर्ड रीसेट करने के बाद जो आपने दो फाइल नेम के चेंज किया है उसको फिर से आपको फाइल नेम को चेंज कर लेना है, जो नाम में पहले था उसी नाम में रख देना है, पीसी को फिर से रीस्टार्ट कर लेना है। तो रीस्टार्ट करने के बाद आपको सेम प्रोसेस फॉलो करके फाइल लोकेशन पे आ जाना है और देखिए यहाँ पे मैंने सीएमडी के नाम को चेंज किया था, तो इसको मैं रीनेम कर देता हूँ CMD। उसके बाद मुझे और एक फाइल नेम को चेंज करना होगा, इसके नीचे ही है, देखिए यहाँ पे मैंने समीर टाइप किया था, तो इसको भी मैं रीनेम कर देता हूँ, बैक कर देता हूँ, इसे यहाँ तक बैक कर देता हूँ। आप जैसे ये फाइल नेम था वैसे ही हो चुका है। तो फ्रेंड ये रहा किस तरह आप विंडोज के लॉगिन पासवर्ड को रिसेट कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड ये इन्फॉर्मेशन आप सबको पसंद आया होगा, तो अपने फ्रेंड तक भी ज्यादा शेयर करिए और कमेंट करके बताइए इन्फॉर्मेशन आप सबको कैसे लगा। और वीडियो को एंड करने से पहले आप सबको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं, अगर आपको वीडियो हाई रिजोल्यूशन में एडिट कराना है या वेबसाइट डिजाइन कराना है या ग्राफिक डिजाइन कराना है या कंप्यूटर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी, वहां पे कॉन्टेक्ट करिए, फुल इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा विद नॉमिनल प्राइस में, ये सब फैसिलिटी अवेलेबल है। और आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह कंप्यूटर रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे लेके आते रहता हूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।